चाहे वो कॉफी पे इनका स्टेटमेंट हो चाहे हम दोनों के लिए हमारा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहुत वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर आज के जमाने में स्पेशली यू नो सोशल मीडिया की वजह से मीडिया की वजह से आई थिंक दैट जो भी हो हम हमारी जनता ही हमें बनाती है तो जितना ज़्यादा प्रोत्साहन जितना ज़्यादा प्यार वो हमें दें उसके लिए हम बस शुक्रगुजार हैं और मतलब वो ही है हाँ मतलब फील really कि जितना हम प्रमोशन में भी जैसे जा रहे हैं या फिर जिस हिसाब से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है अनरियल है और ये बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत कम बार ऐसी देखी जाती है कि एक इनफैक्ट एक पैर uh, की भी बात की जाए जिस तरीके से पैर uh, की बात करी जा रही थी बिफोर द फिल्म स्टार्टेड एंड बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग ये आई थिंक पहले कभी हुआ भी नहीं है एंड इट्स इन इट्सल्फ ये बहुत एक हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस uh, uh, बहुत देता है एंड जिस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है वो मतलब वो इट्स लाइक अ ड्रीम जो जो चीज़ें चल रही हैं अभी एंड होपफुली फिल्म के रिलीज़ के बाद और बड़ा होता रहे कॉन्फिडेंस है इनमें और जिस जिसकी वजह से बहुत चीज़ें आ, बहुत बिंदास लगती हैं और चाहे वो काफ़ी कारण पर ही इनका स्टेटमेंट हो चाहे आज तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं या जो भी बातें करती हैं चीज़ आई आई रियली लाइक दैट क्वालिटी ऑफ सारा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और जिस तरीके से वो उस इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या बोलती हैं उसका क्या आ, क्या रिएक्शन आएगा या क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए वो सीधा बस बोल देती है तो आई 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 थिंक थिंक दैट्स दैट्स व्हाट व्हाट दे लाइक लाइक अबाउट अबाउट हर हर एंड आल्सो मुझे लगता है जोई मुझसे अलग है uh, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं हम दोनों के लिए हमारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों सिंगल uh, मदर्स के साथ रहते हैं जो कि हमें uh, काफ़ी इंफ्लुंस करती हैं uh, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ पर्सन जिस तरह से जोई रिएक्ट करती हैं चीज़ों को जिस तरह से जोई चीज़ों को प्रोसेस करती है वो मेरे से काफ़ी अलग है आ, मैं बोल चुकी हैं ये और मैं फिर से बोलूँगी कि मुझे लगता है मैं जोई से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हूँ जोई इतनी स्मार्ट है नहीं आ, जो कि शायद अच्छी चीज़ नहीं है क्या पता मे बी आशुड भी मोलाइा बट वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर और बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है बहुत ही रिएक्टिव है बहुत ही इम्पल्सिव है और दूसरी चीज़ों को के प्रेशर में इफ़ यू विल आकर सडनली कुछ कर लेगी थोड़ी मतलब ऑन दी एज रहती है आ, उसे एजिटेट करना काफ़ी आसान होता है आ, उसे एग्रिवेट करना काफ़ी आसान होता है वो ईजिली टेंस हो जाती है आ, ऐसे मामलों में वो मुझसे थोड़ी अलग है और आ, उसका मतलब फ्रंट फुटेड नेचर भी मतलब मैं भी बिंदास ही हूँ मैं जो मन में आए बोल देती हूँ लेकिन इतना भी नहीं मुझे लगता नहीं है मुझ में दम है किसी आदमी के पास जाके मैं बोलूँ यू रिफ्यूज टू स्लीप विद स्लीपी बॉट दैट इज रॉन्ग विद यू मतलब ये नहीं शायद बोल पाऊंगी मैं तो आई एम लिटिल मीकर शी इज आई थिंक दैट शी इज मे बी आई एम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो बॉलीवुड नाउ